अयोध्या में राम मंदिर परिसर में रामलला विराजमान की पालकी निकाली गई। इस दौरान काम कर रहे मजदूरों ने पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान और साथी ट्रस्ट के लोगों ने रामलला की पालकी निकाली और रामलला विराजमान को परिसर में घुमाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जब रामलला की पालकी को पूरे परिसर में घुमाया गया, इस दौरान जो मजदूर काम कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण का काम अभी भी जारी है, उन्होंने पुष्प वर्षा की। और ये वही मूर्ति है जिसकी अभी तक पूजा अर्चना की जाती रही है। 9 इंच की ये मूर्ति प्रभु श्री राम की, इसकी पूजा 1949 से जारी है। और अब प्रभु राम की ये मूर्ति भी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, लेकिन उससे पहले परिसर का भ्रमण कराया गया था। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम की पालकी निकाली गई और सभी ने पुष्प वर्षा की। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं ये वही मूर्ति प्रभु राम की जिनकी पूजा अब तक हो रही थी, और वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मजदूरों ने पुष्प वर्षा की। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनकी आस्था आप देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी, और बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ में पुष्प वर्षा करते हुए मजदूर नजर आ रहे हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है। और इसी बीच एक बाइक राइडर इंदौर से अयोध्या पहुंची है और 1000 किलोमीटर बाइक चलाकर संध्या अयोध्या पहुंची है। और ये देखिए आप, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। और इंदौर से अयोध्या का जो सफर है वो 1000 किलोमीटर है, और 1000 किलोमीटर का जो सफर है वो संध्या ने बाइक पर तय किया है। और मैंने 1100 किलोमीटर की अभी सफर किया है तय, और मेरा एक यही था उद्देश्य कि मैं एक राम उत्सव इतना बड़ा जो हमारे लिए बहुत इंतज़ार के बाद ये क्षण आया है, और दूसरा मैं राइडर हूँ तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वहाँ जो अपना पेशन है वैसे ही मैं जाऊँ राइड करते हुए, ताकि मेरे लिए एक राइड मेमोरेबल राइड बन जाए। जगतगुरु स्वामी भद्राचार्य न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान राम भद्राचार्य भावुक भी नजर आए। हनुमान महायज्ञ का उद्देश्य है पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर की वापसी। सीता जी को हनुमान जी ने लौटाया था, तो मुझे विश्वास है कि इस यज्ञ से हनुमान जी प्रसन्न होकर पाकिस्तान ने जो हमको हमारा कश्मीर छीन लिया है वो हमको मिल जाएगा। महाराज जी आज बहुत मुझे बोलने दिया जाए जी। और हनुमान महायज्ञ का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हमारा भारत अखंड हो, हमारा भारत बहुत जल्दी प्रथम अर्थ पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, यही हमारा उद्देश्य है और कोई कामना नहीं। आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हो रही है जितनी प्रसन्नता राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों को हुई थी, और मैं अधिक कह नहीं पा रहा हूँ। काशी और मथुरा भी हमें मिल जाए यही मेरी इच्छा है। बहुत अच्छा है कानून, कानून अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। अब आपकी इच्छा है काशी और मथुरा का भी निस्तारण हो जल्दी से। जी जी अ से अयोध्या, का से काशी, म से मथुरा, लेट इट वर्क, उनको भूखने दो। महाराज जी राम भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? राम भक्त संयम से रहकर भगवान के दर्शन करें। आज पूरा देश राममय हो चुका है, हर तरफ श्री राम के जय जयकार हो रही है। और इसी बीच एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट में यात्री राम भजन गाते हुए दिखाई दिए। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया। पीएम मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री साउथ के मंदिरों में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के बाद में आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरु
चिरापल्ली पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया और साथ ही हाथी को गुड़ खिलाते हुए भी नजर आए। तो थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के एक मंदिर की, जहां पर अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री आशीर्वाद भी ले रहे हैं ईश्वर का। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हाथी को गुड़ खिलाकर हाथी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें थोड़ी ही देर पहले की है और 11 दिन का प्रधानमंत्री का अनुष्ठान जारी है। तो साउथ के अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना भी जारी है और तपस्या भी वो कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर रहे हैं, विशेष मंत्रोच्चार का जाप कर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है। आज 9वां दिन है और 2 दिन बाकी, जिसके बाद में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाईस जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मगर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का अनुष्ठान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज सुबह 3:40 पर जाप करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 1:11 का प्रधानमंत्री का विशेष पाठ होता है। आध्यात्मिक जगत के कुछ सिद्ध पुरुषों द्वारा प्राप्त मंत्र जाप का विशेष पाठ प्रधानमंत्री हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान का आज 9वां दिन है, तो 11 दिन का ये पूरा अनुष्ठान है, 2 दिन और बाकी है। इसमें प्रधानमंत्री अन्न न खाकर नारियल पानी पी रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर जाप कर रहे हैं और दिन में भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी राम धुन में वो मगन दिखाई देते हैं, तो थोड़ी देर पहले वो भी तस्वीरें सामने आई जहां पर रंगनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए और ध्यान में ली प्रधानमंत्री नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज गर्भगृह का शुद्धिकरण किया जाएगा। अलग अलग नदियों के जल से भरे 81 कलश गर्भगृह को पवित्र कर रहे हैं। वहां पर जो ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं और अलग अलग नदियों से जो जल मंगाया गया था उससे गर्भगृह को पवित्र किया जा रहा है और ये जल अलग अलग नदियों से इकट्ठा किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये राम मंदिर की तस्वीरें गर्भगृह की। आप बाहर से देखेंगे तो विशेष लाइटों से सजाया गया है और अगर अंदर की आपने तस्वीरें देखी जहां पर कुछ खास फूलों से ये डेकोरेशन किया गया है, न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी फूल लाए गए हैं। तो भव्य और दिव्य सजावट राम मंदिर की और ये खास सजावट 22 तारीख को लेकर है, लेकिन तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं और 2 दिन पहले जगमग करती हुई अयोध्या नजर आ रही है। हालांकि कुछ काम और बाकी है, तो ऐसे में 22 तारीख को कलयुग में त्रेता युग को जीवंत करने की जो कोशिश है वो साकार होती हुई नजर आ रही है। इटावा से 2 महंत अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। कालबाड़ी के महंत स्वामी सुबोधनंद और साथ ही गोशाला महंत स्वामी शंभुदास प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और संतों को अयोध्या के लिए विदा करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दोनों महंत बेहद खुश नजर आए। आज बहुत गौरवान्वित हम हैं, 22 जनवरी का दिन ये समझो कि हिंदू संस्कृति के पूरे विश्व के लिए एक बहुत महा उत्सव है, तो बहुत ही हम प्रसन्न हैं। आज हम निकल रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे और वहाँ की मिट्टी में भगवान राम खेले कूदे, उन्होंने मिट्टी खाई है, आज उस मिट्टी को मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये ईश्वर की महती कृपा है कि आज हमको वहाँ जाने का अवसर मिला। जी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम दोनों संत जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है और भगवान मंगलमय करेंगे सबका, पूरे देश का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अयोध्या में भगवान रामलला के परिसर और आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त की गई है। राम जन्मभूमि जाने वाले सभी मार्गों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। राम जन्मभूमि क्षेत्र के आसपास की ऊंची बिल्डिंगों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है।
सुरक्षा के लिहाज से अब रामलला के मंदिर की भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। रामलला के प्रवेश द्वार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं और साथ ही सीआरपीएफ के साथ साथ एसएसएफ की पोस्टिंग की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों विंग हैं। फिलहाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम जन्मभूमि के परिसर के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, छतों पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके छत पर भी सुरक्षा बल तैनात है। इसके अलावा अत्याधुनिक मशीनों से भी इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण रामकोट के क्षेत्र की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। मीडिया सेंटर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देखने के लिए एलईडी लगाई गई है, साथ ही मीडिया सेंटर में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अयोध्या में जितना भव्य मंदिर बन रहा है तो उसकी तस्वीरें भी उसी भव्य तरीके से देश दुनिया में जानी चाहिए और इसी के लिए सरकार ने तैयारियां भी की हैं। लता मंगेशकर चौक के ठीक पास में राम कथा संग्रहालय है और यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है और लगभग बनकर अब तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊं कि इस जगह पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो लाइव प्रसारण इसके जरिए दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको देखें कि ये भव्य तरीके से मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, राम मंदिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है झलक, और ये देखें अयोध्या धाम मीडिया सेंटर ये तैयार हुआ है। अब मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या सुविधाएं होंगी इस मीडिया सेंटर के अंदर, क्योंकि हर किसी का वहां तक जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, वीवीआईपी होंगे देश भर के। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस जगह पर मीडिया सेंटर के लिए मीडिया के लिए कवरेज के लिए यहाँ पर मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। ये देखिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, टेबल्स हैं, उसके अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर की भी सुविधा है, वाईफाई की भी सुविधा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी काम करेंगे इस जगह पर वो खड़े होकर लाइव कर सकते हैं, इस जगह पर खड़े होकर वो चैट कर सकते हैं, स्टोरी फाइल करने के लिए कंप्यूटर होंगे, वाईफाई की सुविधा होगी। तो ये तमाम जो सुविधाएं होंगी, चेयर्स हैं, तो ये देखें कि ये मीडिया सेंटर बनाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से